नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का मंत्री बनने के पश्चात प्रथम नगर आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियों पर सभी भाजपा जनों की उपस्थिति में माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात आयोजित स्वागत कार्यक्रम में जिले भर से आए पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, मंडल अध्यक्षों, मोर्चा प्रकोष्ठों व कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री बनाए जाने पर उनका आत्मीय स्वागत किया। तत्पश्चात पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नववर्ष 2024 श्रीराम वर्ष के रूप में सदैव जाना जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण पूर्ण हो चुका है। संपूर्ण भारतवासी प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु उत्सुक हैं। सभी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को दीपावली उत्सव के समान मनाया। उन्होंने नरसिंहपुर जिले को प्रदेश मंत्रिमंडल में पर्याप्त स्थान व सम्मान देने के लिए शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट कर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और अपने विभागों की जानकारी देते हुए बताया कि मैंने अपने दोनों विभागों की 100 दिन की कार्य योजना बनाकर लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास देश और प्रदेश के विकास की रीढ़ है। हमारी सरकार गांव के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। चाहे अमृत सरोवर हो, चाहे पुष्कर धरोहर हो, चाहे कैच द रेन, मध्य प्रदेश में देश में नंबर एक का काम किया है। उस पायदान पर हम बने रहेंगे और बेहतर काम करते जाएंगे। श्रम मंत्रालय की सफलताएं वो भी देश में नंबर एक पर है। जो पोर्टल लेबर केसेस मैनेजमेंट के लिए बना है वो देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है और 100 दिन के भीतर मजदूरों के तमाम मुकदमे इस पोर्टल पर होंगे। जो नए मुकदमे होंगे वो पोर्टल पर ही आएंगे, मैनुअल कॉल काम नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये अभी शुरुआत है, हम बहुत जल्दी 100 दिनों के भीतर वो परिणाम देंगे। जनता ने जो विश्वास